उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर गन्ना किसानों को ऑनलाइन भुगतान किया। सीएम के साथ गन्ना मंत्री सुरेश राणा और अपर मुख्य सचिव संजय आर भूसरेड्डी भी मौजूद थे। खास बात यह रही कि सीएम ने डिजिटल दीपक प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। सीएम ने गन्ना किसानों को 418 करोड़ का भुगतान किया। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गन्ना किसानों से बात की। गन्ना किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही 3 वर्षों में 10,325 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान योगी सरकार ने कर दिया है। किसी भी सरकार ने इतना भुगतान अपने 5 साल के कार्यकाल में नहीं किया है। बातचीत करेंगे जन टीवी के उत्तर प्रदेश में संपादकीय सलाहकार अरुण मिश्रा जी से, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण जी, बहुत जरूरी हो जाता है जिन किसानों को लेकर बातचीत की जाती है उनको सीधा भुगतान उनके हाथों में मिल जाए, क्योंकि बिचौलिए या फिर उनके पास उनका उपज का जो मूल्य है वो पहुंचने में जितना वक्त लगता था वो उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर देता था। 5 साल का जो रिकॉर्ड है वो भी योगी सरकार ने एक तरह से तोड़ा है। किसान, गन्ना किसान जो है, उनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया आई है? इसके अलावा अब क्या कुछ और किसान वर्ग में उनको फायदा पहुंचाने में, उनको सीधा लाभ देने की दिशा में योगी सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं? प्रभात जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के पश्चात कुछ अमूलचूल परिवर्तन हुए, व्यवस्थाओं में कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिले होंगे विगत दिनों में। और वर्तमान समय में जो वैश्विक परिदृश्य बना कोरोना का, उसके बाद लॉकडाउन, उसके बाद की बस से जो परिस्थितियां रही, प्रवासी मजदूर हों, श्रमिक हों या अन्य आम जनमानस से संबंधित चीजें रही हों, सभी में एक अलग तरीके का रुख देखने को उत्तर प्रदेश सरकार का मिला और उसमें सक्रियता भी नजर आई आम जनमानस को। दूसरी बात, जहां तक गन्ना किसानों का है, तो एक नई लकीर खींचते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं गन्ना राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बनाए गए सुरेश राणा, दोनों की अच्छी पहल ये रही कि दोनों एक अच्छी पहल करते हुए, एक अच्छी शुरुआत करते हुए गन्ना किसानों का भुगतान ऑनलाइन कराने की व्यवस्था की। न सिर्फ ऑनलाइन कराने की व्यवस्था की, इस कार्यक्रम को भव्य स्वरूप प्रदान करते हुए साथ ही किसानों से बात भी की और इलेक्ट्रॉनिक दीपक प्रज्वलित करते हुए ऑनलाइन चेक भी प्रदान किया, ऑनलाइन पैसे का ट्रांसफर भी किया, साथ ही उनसे बात भी की और उनके सुख दुख और दुख दर्द को समझा। इस विषय में एक विशेष उल्लेखनीय बात यह रही कि हम विगत दिनों का देखें तो 3 साल के कार्यकाल में 10,325 करोड़ का भुगतान किया गया है। आज का भुगतान 418 करोड़ रुपए का किया गया था किसानों को, और लगभग 25 से 40 हजार कई मिलों में कर्मचारियों की संख्या या गन्ना किसान जो जुड़े हुए हैं उनकी संख्या ज्यादा है। तो वो जिन गन्ना किसानों के भुगतान विलंबित हो जाया करते थे, उसकी जो मूलभूत वजह होती थी वो ये होती थी, गन्ना किसान और मिल मालिक दोनों के बीच एक आपस में एक रस्साकसी सी चलती थी। अगर आपको ध्यान होगा तो गन्ना, किसी भी आप गन्ना मिल के पास से गुजर जाइए तो मीलों तक ट्रैक्टरों की लाइनें खड़ी होती थी, एक लाइन खड़ी होती थी जिसमें गन्ना किसान अपने गन्ना को मिल में उतारने का प्रयास करते थे, और दूसरी लाइन इस बात के लिए खड़ी होती थी कि वो अपनी पर्ची जो वहां से रिबिलिटी जारी होती थी उस पर्ची को जमा करें, उसको एंट्री कराएं, और अंत में उनके हाथ में ये आता था कि सालों का इंतजार, 2-3 फसलें आ जाती थी उसके पश्चात उनको भुगतान प्राप्त होता था। उसके बाद जो भुगतान जाता भी था तो उसकी जो प्रक्रिया थी वो ऑनलाइन भुगतान की प्रक्रिया, सरलीकरण की प्रक्रिया ना हो करके उस भुगतान की प्रक्रिया के बीच जो सत्यापन की प्रक्रिया के 2-3 पायदान होते थे उसका शिकार किसान को होना पड़ता था, गन्ना किसानों को। इस बार जो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो पहल की है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, वो एक बेहतरीन पहल, सराहनीय पहल ये रही कि सीधे ऑनलाइन भुगतान किया गया, और ये प्रक्रिया अभी से नहीं, 2012 से इस प्रक्रिया से 17 के बीच में जो अंतर था उसको कवर करते हुए, 3 साल में जो हुआ था, 5 साल में जो हुआ था वो 3 साल में कवर भी किया गया जो भुगतान बजट है। उसके अलावा जो भुगतान है वो ऑनलाइन सीधे किया गया और पोर्टल के माध्यम से उनको जोड़ दिया गया है, भविष्य में इस तरीके की कोई दिक्कत भी ना आने पाए इसकी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर दी गई है। इस बीच जो गन्ना विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी थे, उन्होंने इसको अपनी कार्यकुशलता से, इसको प्रशासनिक दक्षता से उसको अंजाम दिया, और उसके साथ ही गन्ना किसानों से मुख्यमंत्री ने सीधे वार्ता की। जो हमारे यहाँ के गन्ना मिले हैं लगभग 5,000 लीटर सैनिटाइजर प्रतिदिन का उत्पादन भी कर रही हैं, जो हमारे कोरोना के विषय में भी काफी मददगार साबित हो रहा है।
जी प्रभात जी, बिल्कुल अरुण जी, आपने सही कहा कि किसान हमारी पूंजी कहे जाते हैं, लेकिन इन किसानों को लेकर अगर सीधे फायदे की बात उन तक पहुंचाई जाए और सीधा संवाद अगर उनसे किया जाए तो किसानों की जो समस्याएं हैं मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा लंबे समय तक नजर नहीं आएंगी। और योगी सरकार ने ये पहल की है और 5 साल का जो रिकॉर्ड तोड़ा है वो अपने आप में दूसरों के लिए सराहनीय है और अनुकरणीय कदम कहा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए। जन टीवी के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।